आपका नो सिस्टम एक्टिव होना आपकी जिंदगी बदल सकता है। यानी ये जो माथे के पीछे होता है, हमारा जो नो सिस्टम है ये हमारा लेटेस्ट ब्रेन है, ये पहले नहीं होता था। ये इंसानों को कोई 10-12 हजार साल पहले ही मिला है। उससे पहले इंसानों में एक तहकीक के मुताबिक ये नो सिस्टम नहीं होता था, ये एडिशनल ब्रेन है और ये सिर्फ इंसानों के पास है, ये दूसरे जानवरों के पास नहीं है। और ये जो एडिशनल ब्रेन है इसका इस्तेमाल कोशिश करके करना पड़ता है, इसके इस्तेमाल के लिए विल पावर चाहिए, और जो गो सिस्टम है उसके इस्तेमाल के लिए विल पावर नहीं चाहिए। फ्रंटल लोब जिसको कहते हैं, फ्रंटल लोब, ये जो फ्रंटल लोब है इसमें नई नई बातें जन्म लेती हैं, क्रिएटिविटी होती है और इम्प्रोवाइजेशन होती है और क्रॉस चेकिंग होती है। और बेहतरीन ये है कि नो सिस्टम और गो सिस्टम आपस में बहुत कोऑर्डिनेट करके चले। और ये नहीं कि गो सिस्टम इज ऑल बैड, गो सिस्टम भी बहुत अच्छा है। अगर कहीं आग लग जाए तो सोच विचार करनी चाहिए या कुछ भाग के एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। तो आप समझ ले कि कई चीजें होती हैं जो अर्जेंटली करने वाली होती हैं। इसी तरह अगर आप नो सिस्टम के तहत गाड़ी चलाएंगे तो शायद आप 1 किलोमीटर गाड़ी चला के थक जाएंगे, क्योंकि नो सिस्टम कहेगा अच्छा अब तुम ब्रेक लगाओ तो आप फिर ब्रेक लगाएंगे, फिर वो कहेगा आप एक्सीलेटर दबाओ तो आप एक्सीलेटर दबाएंगे। या घरों में खवातीन खाना पकाएंगी तो वो इस तरह नहीं पका सकेंगी फिर खाना के साथ ही हंडिया पक रही है, साथ ही चावल बन रहे हैं, साथ ही रोटी बन रही है, एट द सेम टाइम वो सारा काम वो कर रही होती। तो ये गो सिस्टम कर रहा होता है। जो चीज भी हैबिचुअल है, जो चीज भी हमारी हैबिट का हिस्सा है, वो गो सिस्टम के तहत होता है। और गो सिस्टम साइज में बड़ा है और वो पीछे है, पीछे यानी हमारे सर के पिछले हिस्से में ज्यादातर अकोमोडेटेड है, और निचले हिस्से में, पिछले और निचले हिस्से में। और जो नो सिस्टम है वो अगले और ऊपर के हिस्से में मौजूद है, और इन दोनों का आपस में थोड़ा बहुत अदम तावन रहता है। नो सिस्टम कहता है कि मैं सब कुछ करना चाहता हूं, गो सिस्टम कहता है कि नहीं देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। और ज्यादातर गो सिस्टम जो है वो टेक ओवर कर लेता है। ये इंसान इतनी देर से गेट क्यों खोला, सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं, सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।